हाय दोस्तों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे YouTube चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर के मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षय को रोकने के लिए लीड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। जी हाँ, बैटरी के जो दोनों टर्मिनल होते हैं उन पे हम कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अमोनिया सल्फेट, बी है सिलिका जेल, सी है पेट्रोलियम जेली और ऑप्शन डी है सल्फर पाउडर। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है साथियों NCVT 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम जेली। जी हाँ, बैटरी के जो दोनों टर्मिनल होते हैं उस पर हम पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जब सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय उसकी क्षमता पर क्या असर पड़ता है, उस बैटरी पर क्या होता है जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह क्वेश्चन NCVT 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है धारा क्षमता जो है घटती है, ऑप्शन बी है धारा क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन सी है EMF बढ़ता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो होता है बढ़ता है, और ऑप्शन डी है EMF जो है घटता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, धारा की क्षमता जो होती है वह बढ़ती है जब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आगे चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नट या बोल्ट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। जी हाँ, नट या बोल्ट द्वारा जो एक चक्कर में दूरी तय की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है पिच, बी है रूट, सी है लीड और डी है क्रेस्ट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ये लगभग आपके प्रैक्टिकल में और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी, उसे हम लीड के नाम से जानते हैं, नट और बोल्ट के द्वारा तय की गई एक चक्कर में दूरी को। अगला क्वेश्चन है, एक्मे चूड़ी का कोण होता है। जी हाँ, एक्मे थ्रेड का चूड़ी जो होती है उसका एंगल जो होता है कोण कितना होता है। ऑप्शन ए है 13 अंश, बी है 15 अंश, सी है 29 अंश और डी है 30 अंश। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी ऑप्शन, 29 अंश जो है एक में चूड़ी का कोण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूखी बैटरी का धनात्मक ध्रुव बना होता है। जी हाँ, आपको इस ड्रेस के स्थान पर भरना है और यह क्वेश्चन देख रहे हैं आप NCVT 2017 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कार्बन, बी है तांबा, सी है जिंक और डी है मरकरी। तो सूखी बैटरी का जो धनात्मक ध्रुव होता है दोस्तों वह किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, कार्बन का बना होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर है। जी हाँ, आपको बताना है ट्रांजिस्टर क्या है। ऑप्शन ए है एक उच्च वोल्टेज युक्त है, ऑप्शन बी है निम्न धारा एवं निम्न वोल्टेज युक्त है, ऑप्शन सी है उच्च धारा युक्त है और ऑप्शन डी है निम्न धारा युक्त है। तो ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी, निम्न धारा एवं निम्न वोल्टेज युक्त ही होता है जो है ट्रांजिस्टर आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, CRO प्रदर्शित करता है। जी हाँ, CRO जो है वह क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है वोल्टेज का पीक टू पीक मान, ऑप्शन बी है वोल्टेज का DC मान, ऑप्शन सी है RMS मान और ऑप्शन डी है औसत मान। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, वोल्टेज का पीक टू पीक मान जो है CRO द्वारा हम CRO प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक NPN के आधार में अधिकांश इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। जी हाँ, एक NPN के आधार में जो है अधिकांश इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है कहाँ पर। ऑप्शन ए है बेस लीड के बाहर, ऑप्शन बी है संग्राहक में, ऑप्शन सी है उत्सर्जक में और ऑप्शन डी है बेस आपूर्ति में। और यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCVT 2017 में पूछा भी जा चुका है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, संग्राहक में जो है प्रवाह करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, CRO द्वारा AC वोल्टेज का निम्न में से कौन सा मान ज्ञात किया जा सकता है। जी हाँ, CRO द्वारा जो है हम AC वोल्टेज का कौन सा मान ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए है RMS पीक एवं औसत मान, ऑप्शन बी है केवल RMS मान, ऑप्शन सी है केवल पीक मान और ऑप्शन डी है केवल औसत मान।
तो सी आर ओ द्वारा दोस्तों हम एसी वोल्टेज में ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, आरएमएस पीक एवं औसत मान को ज्ञात करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। आखिरी क्वेश्चन पर बात करते हैं, प्रेरण मोटर और जनरेटर मोटर के जो फ्रेम होते हैं वह किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एनसीबीटी 2018 और 17 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन इस्पात, बी है कच्चा लोहा, सी है एल्यूमिनियम और डी है नरम इस्पात। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा कच्चा लोहा। जी हाँ, मोटर और जनरेटर फ्रेम जो होते हैं कच्चा लोहा का बना होता है। जितनी भी मशीनें होती हैं दोस्तों जिस पर हम संक्रियाएं करते हैं उनका बेस लगभग आपका कच्चे लोहे का बना होता है, क्योंकि इसमें जो है कंपन सहन करने की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है और ये कास्ट आयरन अर्थात कच्चे लोहे के बनाए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।